नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। पुलिस अधीक्षक व अधिवक्ताओं के बीच हुआ बवाल। उन्नाव पुलिस अधीक्षक व अधिवक्ताओं के बीच हुआ बवाल। अधिवक्ताओं ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला यह है कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक मुंशी द्वारा गाड़ी रिलीज कराने गए अधिवक्ता से अभद्रता किए जाने पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय उन्नाव में धरना प्रदर्शन कर दिया। वहीं वकीलों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब पुलिस अधीक्षक ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक उन्नाव विक्रांत वीर सिंह का कहना है कि उस मुंशी के खिलाफ क्षेत्र अधिकारी बांगरमऊ को जांच दे दी गई। जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि अधिवक्ताओं ने सरकारी काम में बाधा डाली है, जिसकी शिकायत हम बार एसोसिएशन व जिला जज को भी करेंगे। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सर, आज आप लोगों का धरना दिया जा रहा है इसकी ऑफिस में, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे युवा अधिवक्ता मुकेश यादव, जो संयोग से हमारे जूनियर भी हैं, वो एक रिलीज ऑर्डर लेकर के 22 जनवरी को थाना बांगरमऊ गए थे। और बांगरमऊ थाने में जो हेड मुंशी सगीर रहे रईस है बस ने उस ऑर्डर को पकड़ कर दिया और कहा जाइए, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कोर्ट के न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो मैं सब समझता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, आप मुझे हल्के से ले रहे हैं, छह बार के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सतीश शुक्ला जी का जूनियर हूँ, खड़े होंगे क्या, कोई तोहफे क्या? इसकी शिकायत हम लोग लेकर के कप्तान साहब के अपने अध्यक्ष के माध्यम से आए थे। छोटे कप्तान मिले थे, उन्होंने जाँच बैठाई थी, सी ओ जाँच कराए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होती थी। हमने परसों एक पत्र व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ताओं के आग्रह पर पुलिस कप्तान महोदय को एलआईओ के माध्यम से भेजा था, और उसमें मैंने सूचना दी थी कि अगर हमारी तब तक मांग पूरी नहीं हुई, हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे अभद्र और जनता तो जनता वकीलों के साथ अपमानजनक बातचीत करने वाले पुलिस कर्मचारी को थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे हटा दिया जाए। और इसकी सूचना दी थी, अगर आप नहीं हटाते हो पर तक आज 11:30 बजे तक तो हम लोग आपके यहाँ आपके कार्यालय पर लोकतांत्रिक, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग 11:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं कप्तान साहब के लिए भी कहना चाहता हूँ, कप्तान साहब का व्यवहार आज अच्छा नहीं है। वकीलों हम लोग लगभग एक घंटे से ज़्यादा समय हो गया है बैठे हैं, और वो अपने कार्यालय में मौजूद हैं, इसके बावजूद अभी तक उन्होंने हमारे वक्ताओं से भारी संख्या में वक्ता देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में वक्ता है, अब तक उन्होंने वक्ताओं से बात करना नहीं समझा है। हम उनके इस कृत्य की भी निंदा करते हैं, और हम एक बात और बताना चाहते हैं, अगर वकीलों के साथ कप्तान का इस प्रकार सकारात्मक रुख न रहा, आरियल रोक रखा, अपने दोषी कर्मचारी को बचाने का प्रयास अगर करेंगे, अगर अधिवक्ताओं को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग ये लड़ाई आगे चलकर कप्तान साहब के विरुद्ध शुरू करेंगे, इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव है, वहाँ पे एक वकील साहब पहुँचे थे, जैसा कि उन्होंने बताया, तो उनके साथ कथित रूप से वहाँ थाने के मुंशी के द्वारा अभद्रता की गई थी, ये वकील साहब ने बताया था। इसकी हम निष्पक्ष जांच हम सी ओ बांगरमऊ से करवा रहे हैं, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ वकील साहबान हैं जो पुलिस ऑफिस में आकर उन्होंने धरना दिया है, सरकारी काम में बाधा पहुँचाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जब हम लोग पैदल गश्त के लिए अभी निकले हैं, तो उसमें भी साथ साथ वो चल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये एक तरह से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का मामला नज़र आ रहा है। हालांकि तो सी ओ बांगरमऊ की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, जैसा जांच रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई जरूर होगी। जी जी जी। और इस सिलसिले में ये बताना है कि इस जो भी प्रकरण हुआ है आज का हमला हो रहा है, तो इसकी पूरी रिपोर्ट हम यहाँ के जो बार ना बार को भी देने वाले हैं, और माननीय जिला जज महोदय को भी हम इसके लिए
हम लोग उनको इसकी इन्फॉर्म करेंगे। जांच कोई समय सीमा दी गई है क्या, कब तक जांच होकर आ जाएगी? देखिए जांच वो कर रहे हैं, जांच लगभग अंतिम दौर में है, हम मेरी बात तो एक दो दिन में वो जांच कंप्लीट करके पूरी तथ्यात्मक आख्या हमें सीओ बांगर में देंगे और जैसी आख्या होगी उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो जाएगी। सर बिल्कुल नाराज क्यों है, आखिर वजह क्या थी वो? देखिए जैसे मैंने बताया कि बांगरमऊ थाने में एक वकील साहब गए थे और वो गाड़ी छुड़वाने के लिए पेपर लेके गए थे, उसी सिलसिले में उन्होंने लिखित में कंप्लेन हमें दी थी कि उनके साथ जो थाने के मुंशी ने अभद्रता की है, तो इसके निष्पक्ष जांच के लिए हमने सीओ बांगरमऊ को आदेशित किया है, वो जांच कर रहे हैं, जैसा भी सही रिपोर्ट आएगी उसको हम कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके कारण उन्होंने अनावश्यक रूप से आज पुलिस ऑफिस में घेराव किया है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है और साथ ही जब हम लोग यहाँ पैदल गश्त कर रहे हैं तो वहाँ पर नारेबाजी हो रही है और इसके पूरी सूचना जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट बार है उसको हम देंगे, लिखित में देंगे, उनको भी अवगत कराएंगे, साथ ही आदरणीय जिला जज को भी इसमें संज्ञान कराएंगे। ठीक है।